बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ ब्लड बैंकिंग। बट बिफोर स्टार्टिंग वी कैन सी इन दिस पिक्चर दिस बेबी गर्ल से देर आई नीड माय नेक्स्ट ट्रांसफ्यूजन। तो बस पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको रेगुलर ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पेश आती है। वो पेशेंट जिनको रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है उनमें से एक है थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट, जिनको रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पेश आती है। तो ट्रांसफ्यूजन से पहले कुछ स्टेप्स होते हैं ताकि हम ब्लड को एज सेफ एज पॉसिबल बना सकें। तो इसीलिए उसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड है कि ट्रांसफ्यूजन से पहले क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट रखती हैं और क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है डोनर सिलेक्शन क्राइटेरिया। डोनर सिलेक्शन क्राइटेरिया वो क्राइटेरिया है जिसके ज़रिए हम एक डोनर से ब्लड लेने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते हैं ताकि हम ब्लड को सेफ से सेफ तर बना सकें। डोनर सिलेक्शन क्राइटेरिया डिटरमिन द एलिजिबिलिटी ऑफ ए डोनर टू डोनेट ब्लड। अगर वो इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है डोनर तो फिर ऑर्डिनेशन के काबिल होता है। अगर उस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरता तो उसकी डोनेशन नहीं ली जाती। अब डोनर क्या है? डोनर वो इंडिविजुअल्स हैं जो कि डोनेट करते हैं कोई भी चीज़। फॉर एग्जांपल आई डोनेशन हो गया, किडनी डोनेशन हो गया, और ब्लड बैंक से रिलेटेड है ब्लड डोनेशन कि वो अपना ब्लड डोनेट करे ब्लड बैंक को और ब्लड बैंक पर उसको ट्रांसफ्यूजन पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो डोनर वो इंडिविजुअल है जो कि ब्लड डोनर वो इंडिविजुअल है जो कि ब्लड डोनेट करता है। अब कुछ टाइप्स हैं डोनर्स के, मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं। उनमें से एक है वॉलंटियर ब्लड डोनर, रिप्लेसमेंट डोनर, ऑटोलोगस ब्लड डोनर और प्रोफेशनल डोनर। ये चार किस्म के ब्लड डोनर्स हैं। अब वॉलंटियर ब्लड डोनर क्या चीज़ है? वॉलंटियर ब्लड डोनर वो डोनर है जो कि अपने वॉलंटियरली अपना ब्लड डोनेट करें। वॉलंटियर याद रखें, वॉलंटियर ब्लड डोनर इज अ बेस्ट डोनर। इन वॉलंटियर ब्लड डोनर्स को ब्लड डोनेशन की इम्पोर्टेंस का पता होता है और उसके क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं, क्यों क्या होते हैं वो भी पता होता है। मीन्स कि वो फुली एजुकेटेड होते हैं कि ब्लड डोनेशंस की क्या इम्पोर्टेंस है, इसलिए वो वॉलंटियरली ब्लड बैंक में आके अपना ब्लड डोनेट करते हैं। तो उसको हम कहते हैं वॉलंटियर ब्लड डोनर। एक है रिप्लेसमेंट डोनर। सो रिप्लेसमेंट डोनर वो डोनर होता है कि अगर एक पेशेंट एडमिटेड है, ब्लड बैंक वाले के पास ब्लड मौजूद है, फॉर एग्जांपल ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है,
ओ ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप है और उसके पेशेंट्स को ब्लड की ज़रूरत पेश आती है, तो ब्लड बैंक वाले उनके पेशेंट्स को ब्लड प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनसे कहते हैं कि आपने रिप्लेसमेंट में हमें एक ब्लड देना होगा। बाज़ अवकात क्या होता है कि एक इंडिविजुअल है उसको ब्लड की ज़रूरत पेश आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लड ग्रुप ए, लेकिन जो डोनर है उसके ब्लड ग्रुप है बी, तो ब्लड बैंक वाले बी ब्लड ग्रुप को लेके अपने पास रख के और उनको ए ब्लड ग्रुप उनके पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, तो हम इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट डोनर। एक है ऑटोलोगस ब्लड डोनर। ऑटोलोगस ब्लड डोनर, ऑटो मीन्स सेल्फ, मतलब कि एक इंडिविजुअल अपना ब्लड कोई सर्जरी से, प्लेन जो सर्जरी होती है उससे पहले अपना ब्लड बैंक में डोनेट करता है और 20 दिन के बाद उसकी सर्जरी होनी है या 1 महीने के बाद उसकी सर्जरी होनी है, तो वो अपना जो उसने डोनेट किया हुआ ब्लड है उसको दोबारा उसको लग जाता है। तो चूंकि उसने अपने आप के लिए ब्लड डोनेशन की तो इसलिए हम उसको कहते हैं ऑटोलोगस ब्लड डोनर। ऑटोलोगस ब्लड डोनर कॉमन नहीं है, लेकिन ये उस सूरत में होता है कि उस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप हो, तब जाके ऑटोलोगस ब्लड डोनर डोनेशन कर सकता है। मसलन बम्बे ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल है, उसका ब्लड ग्रुप है बम्बे ब्लड ग्रुप, तो बम्बे ब्लड ग्रुप बहुत ही माइनर ब्लड ग्रुप है और बहुत मुश्किल से मिलता है, तो इसलिए प्लेन सर्जरी से पहले वो अपना ब्लड डोनेट कर लेता है और फिर वही ब्लड उसको अगर ज़रूरत होती है तो फिर उसको लग जाता है ट्रांसफ्यूजन पर्पस के लिए, तो इसको हम कहते हैं ऑटोलोगस ब्लड डोनर। एन ऑटोलोगस ब्लड डोनेशन इज़ बेसिकली द सेफेस्ट ब्लड डोनर, और इसको हम सेफेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि वही सेम इंडिविजुअल है, उसका अपना ब्लड है और उसी को वो ब्लड लग जाता है, तो इसलिए हम इसको सेफ ब्लड कहते हैं। प्रोफेशनल डोनर वो डोनर्स होते हैं जो कि पैसों के लिए अपना ब्लड डोनेट करते हैं, और ये वाले जो डोनर्स होते हैं अब हम इनको अवॉइड करते हैं क्योंकि प्रोफेशनल होते हैं, तो जब हम डोनर सिलेक्शन क्राइटेरिया पढ़ेंगे तो बहुत से ऐसे इंफॉर्मेशंस जो कि ब्लड डोनेशन से पहले हमें रिक्वायर्ड होती हैं वो छुपाते हैं, तो इसलिए प्रॉपरली इंफॉर्मेशन चूंकि वो डिलीवर नहीं करते हैं, उनको पैसों से मकसद होता है तो इसलिए वो इंफॉर्मेशन को छुपाते हैं और पैसे भी लेते हैं, तो इसलिए इन डोनर्स को हम डिफर करते हैं और ये डोनर्स तकरीबन जितने भी ब्लड बैंक्स होते हैं उन्होंने इनको अवॉइड किया हुआ है, तो ये डोनर्स भी हैं लेकिन ये 4 डोनर हैं। तो सबसे जो बेस्ट डोनर है वो है वॉलंटियर ब्लड डोनर, जो सबसे सेफेस्ट डोनर है वो है ऑटोलोगस ब्लड डोनर। एक नॉर्मल इंडिविजुअल में जो कि हेल्दी इंडिविजुअल होते हैं उसमें तकरीबन 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड होता है, तो एक इंडिविजुअल हर 3 महीने के बाद अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। बाज़ लोग ब्लड डोनेशन से डरते हैं और उनको खौफ होता है कि अगर हमने ब्लड दिया तो वीकनेस आ जाएगी और ये रिकवरी टाइम बहुत ज़्यादा लेगी, 3 महीने लेती है रिकवरी टाइम, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। याद रखें कि ब्लड जो हमारा प्लाज्मा लेवल है वो विद इन 24 to 48 आवर्स में वो प्लाज्मा हमारा रिकवर हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लाज्मा 91% ऑफ वाटर में कंसिस्ट होता है,
तो फ्लूइड इनटेक बढ़ाने की वजह से प्लाज्मा का लेवल 24 से 48 आवर्स के अंदर अंदर वो रिकवर हो जाता है। आरबीसी तकरीबन 3 वीक्स लेते हैं रिप्लेसमेंट में, फुल उसकी जो रिप्लेसमेंट हो जाती है 3 महीने उसको लगते हैं सिर्फ, जबकि प्लेटेट और डब्ल्यूबीसी विद इन मिनट्स ये रिकवर हो जाते हैं। प्लेटेट और डब्ल्यूबीसी क्यों जल्दी रिकवर होते हैं जबकि आरबीसी क्यों रिकवर नहीं होते हैं? तो प्लेटलेट और वाइट ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में इसके मुख्तलिफ पूल्स हैं। 33% ऑफ जो प्लेटलेट्स हैं वो स्प्लीन में उनकी पूलिंग होती है, मतलब स्टोरेज होती है। तो जब एक इंडिविजुअल ब्लड डोनेट करता है तो सर्कुलेशन में प्लेटलेट कम हो जाते हैं, तो जो पूल प्लेटलेट्स हैं वो स्प्लीन से निकल के आ जाते हैं, सर्कुलेशन में प्लेटलेट का लेवल नॉर्मल पे आ जाता है। इसी तरह वाइट ब्लड सेल्स हैं, तो वाइट ब्लड सेल्स के भी हमारे बॉडी में पूल्स हैं, जिनमें से एक है स्टोरेज पूल, एक है सर्कुलेटिंग पूल और एक है मार्जिनेटिंग पूल। तो सर्कुलेटिंग पूल जो कि वेंस में मूव कर रहा होता है इसको हम कहते हैं सर्कुलेटिंग पूल, एक है मार्जिनेटिंग पूल। मार्जिनेटिंग पूल वो पूल है कि डब्ल्यू बी सीज जो एंडोथेलियल सेल्स हैं वेन के, उसके साथ साथ मूव कर रहे होते हैं, सेंट्रलाइज नहीं होते। सेंट्रलाइज जो डब्ल्यू बी सीज होते हैं हम उनको सर्कुलेटिंग पूल कहते हैं। तो जब एक इंडिविजुअल ब्लड डोनेट कर लेता है तो जो मार्जिनेटिंग पूल ऑफ डब्ल्यू बी सीज हैं वो सर्कुलेशन में आ जाते हैं और डब्ल्यू बी सी वापस अपने नॉर्मल पोजिशन पर आ जाते हैं, तो रिकवरी उसकी विद इन मिनट्स हो जाती है। हाँ, अगर टाइम लेती हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आर बी सी 3 वीक्स लेती हैं ताकि प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस वो कंप्लीट हो सके। कुछ सेफ्टी कंसर्न हैं ब्लड डोनेशन के हवाले से और ब्लड रिसिपिएंट के हवाले से। तो ब्लड डोनर तो हमने वो कहा कि वो इंडिविजुअल जो कि ब्लड डोनेट करते हैं हम उसको कहते हैं ब्लड डोनर, लेकिन वो इंडिविजुअल जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है उनको हम कहते हैं ब्लड रिसिपिएंट, हम उसको कहते हैं, या जो पेशेंट्स होते हैं। तो हमने ब्लड को एज सेफ एज बनाना है, क्यों? क्योंकि सेफ ब्लड गिव्स लाइफ, अनसेफ ब्लड गिव्स इन्फेक्शंस और डिजीज। सेफ ब्लड से हमारा क्या मतलब है? सेफ ब्लड वो ब्लड है जिसमें कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट ना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मलेरिया हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल एचआईवी हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल हेपेटाइटिस बी हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल एचआईवी है, इसी तरह सिफिलिस है, तो ये इन्फेक्शियस एजेंट्स उस ब्लड में मौजूद ना हो तो तब भी हम उसको कहेंगे कि ये ब्लड सेफ ब्लड है। तो हमने मरीज़ को सेफ ब्लड देना है, तो सेफ ब्लड देने से पहले हमने इंश्योर करना होगा कि उसके लिए हम एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया रखें जिसको हम कहते हैं डोनर स्क्रीनिंग क्राइटेरिया। फिर इसके बाद टेस्टिंग के ब्लड हमने कलेक्ट किया, उस पर हम मुख्तलिफ टेस्ट लगाते हैं, ब्लड एस बी के लिए, सी के लिए, एच आई वी के लिए, मलेरिया के लिए, सेफलिस के लिए। तो ये टेस्टिंग प्रोसीजर हैं जो कि हम करते हैं, एंड स्ट्रिक्ट क्रॉस मैच ऑफ ब्लड सैंपल्स टू इंश्योर सेफ ट्रांसफ्यूजन टू द पेशेंट। ये चीज़ ये बहुत ही ज़रूरी है, आल दो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के हवाले से, लेकिन क्रॉस मैच इज मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट टू मेक द ब्लड मोर एंड मोर सेफ, ताकि हमें पता चले। क्रॉस मैच के ज़रिए इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, क्रॉस मैच पे एक लेक्चर लेंगे। क्रॉस और मैच कि हम डोनर के जो सेल्स हैं उनको क्रॉस करें रिसिपिएंट के प्लाज्मा के साथ, ताकि हम देखें कि रिसिपिएंट के प्लाज्मा में कोई ऐसी एंटीबॉडीज तो नहीं है जो कि रिएक्ट कर जाए डोनर के सेल्स के सरफेस पे मौजूद जो एंटीजन है उनके साथ। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंडिविजुअल से उसका ब्लड ग्रुप है ए और हमने उसको ट्रांसफ्यूज कर दिया बी ब्लड ग्रुप, तो ए ब्लड ग्रुप के इंडिविजुअल्स में एंटीबॉडी बी होती है,
और हमने उसको ब्लड दे दिया बी ब्लड ग्रुप, तो ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बी एंटीजन के खिलाफ उसमें मौजूद है, तो सीवियर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्रॉसमैच बहुत ज़रूरी है। अगर एक इंडिविजुअल है उसका ब्लड ग्रुप है फॉर एग्जांपल ओ, और हमने उसको ओ ब्लड ग्रुप दे दिया, फिर भी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारे पास दो किस्म के ब्लड ग्रुप्स हैं, एक को हम कहते हैं मेजर ब्लड ग्रुप्स, दूसरे को हम कहते हैं माइनर ब्लड ग्रुप्स। तो माइनर ब्लड ग्रुप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ब्लड ग्रुप है उसको हम केल ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो बाज़ औक़ात केल ब्लड ग्रुप की वजह से भी सीवियर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो जाती हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर ग्रुप टू ग्रुप ट्रांसफ्यूजन भी करनी हो तो उससे पहले क्रॉस मैच बहुत ही ज़रूरी है। प्री डोनेशन इंफॉर्मेशन, ब्लड इज टेकन ओनली फ्रॉम वॉलंटियर डोनर्स। हमने पहले कहा कि वॉलंटियर डोनर बेस्ट डोनर हैं, तो उनसे लेना चाहिए, लेकिन अगर वॉलंटियर डोनर्स मौजूद नहीं हैं, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है, लोगों को एजुकेट करना पड़ता है, कम्युनिटी को एजुकेट करनी पड़ती है, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो रिप्लेसमेंट डोनर भी आजकल ट्रेंड है, और रिप्लेसमेंट डोनर भी उसके ज़रिए भी ब्लड डोनेशन हो जाती है। तो बेस्ट ये है कि वॉलंटियर ब्लड डोनर हो। फिर इसके बाद यूज स्टेराइल डिस्पोजेबल ब्लड बैग्स एंड इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि हमने ब्लड को एस सेफ बनाना है। अगर हम स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करेंगे, डिस्पोजेबल बैग यूज़ नहीं करेंगे, तो उसमें बैक्टीरियल कंटेमिनेशन के चांसेस होते हैं, और मरीज़ को ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा तो उसको सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे मरीज पे एडवर्स ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए हम स्टेराइल डिस्पोजेबल ब्लड बैग्स और इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद डोनेटेड ब्लड इज टेस्टेड एंड सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट विच कैन बेनिफिट 3 to 4 पेशेंट्स। डोनेटेड ब्लड अगेन वही टेस्टेड HIV के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए और हेपेटाइटिस सी, हेमोग्लोबिन, ये सारे टेस्ट इस पर किए जाते हैं, और फिर इसको कंपोनेंट में हम डिवाइड कर देते हैं। कंपोनेंट में किस तरह के, प्लाज्मा हमने अलग किया, उसके प्लेटलेट हमने अलग किए, उसके RBCs हमने अलग किए। तो जब हम इन एक बैग से इन तीनों चीज़ों को सेपरेट करेंगे, तो अगर एक पेशेंट हो उसको प्लेटलेट की ज़रूरत है तो प्लेटलेट उसको दी जाती है, दूसरा पेशेंट उसको प्लाज्मा की ज़रूरत है तो प्लाज्मा उसको दिया जाता है, एक तीसरा पेशेंट जिसका हेमोग्लोबिन कम है तो हम उसको सिर्फ RBCs दे देते हैं। तो इसीलिए एक ब्लड से तीन मरीज़ों की जो ज़रूरत है वो पूरी हो सकती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वन डोनेशन कैन सेव 3 पेशेंट्स, तो प्लेटलेट, प्लाज्मा और RBCs की सेपरेशन की वजह से। इट इज़ सेफ टू डोनेट एवरी 3 मंथ्स, इट इज़ क्विक एंड सेफ, इट डजंट हर्ट, इट सेव 3 to 4 लाइफ। तो ये ब्लड डोनेशंस की इम्पोर्टेंस है। बाज़ लोग डरते हैं कि जो डोनेशन की नीडल है उसका बोर चूँकि साइज उसका ज़्यादा होता है तो वो डरते हैं इससे, लेकिन जब हम मरीज़ को देखते हैं और मरीज़ की तकलीफ़ को देखते हैं तो वो दर्द खुद बहुत ऑटोमेटिकली रिजोल्व हो जाते हैं, तो फिर वो दर्द नहीं करते, क्योंकि मरीज़ का दर्द हमारे दर्द से ज़्यादा है। तो इसीलिए जितना हो सके ब्लड डोनेशंस करनी चाहिए, और इसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ही ज़्यादा है। अब प्रोसीजर फॉर डोनेशन, चाहे वॉलंटियर ब्लड डोनेशन हो या रिप्लेसमेंट डोनेशन हो या ऑटोलोगस डोनेशन हो, तो उससे पहले कुछ इंफॉर्मेशंस रिक्वायर्ड होती है। तो हम कहते हैं कि 3 स्टेप में हम इसको डिवाइड करते हैं, प्री डोनेशन स्टेप, ब्लड डोनेशन स्टेप एंड पोस्ट डोनेशन स्टेप। प्री डोनेशन के डोनर की स्क्रीनिंग पहले हो, ये
डिपेंड करते हैं हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल एंड ब्लड बैंक टू ब्लड बैंक। बस ब्लड बैंक डोनर से डोनर डोनेशन से पहले उसकी स्क्रीनिंग करते हैं हेपेटाइटिस बी के लिए, सी के लिए, एचआईवी के लिए। बस ब्लड बैंक पहले ब्लड डोनेशन करते हैं और फिर उसके बाद स्क्रीनिंग करते हैं, तो ये वेरी करती हैं, लेब टू लेब वेरी करती हैं। फिर डोनर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि क्या डोनर इस काबिल है कि वो ब्लड डोनेट कर सके। डोनर का कंसेंट फॉर्म लिया जाता है, कंसेंट लिया जाता है, उसका साइन लिया जाता है कि वो एग्रीड है इस पे कि हम ब्लड मैं ब्लड डोनेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और फिर उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन, तो ये स्टेप्स प्री डोनेशन से हैं। ब्लड डोनेशन प्रोसीजर के ब्लड को कैसे लिया जाता है, और पोस्ट डोनेशन के जो जिस डोनर ने ब्लड दिया है उसको हम कहते हैं कि आप रेस्ट करें, उसके लिए कुछ एडवाइसेस हैं, रिफ्रेशमेंट हम देते हैं। रिफ्रेशमेंट्स मीन्स उसके जो प्लाज्मा लेवल है उसको पूरा करने के लिए फ्लूइड्स देते हैं जूस के फॉर्म में। डोनर सर्टिफिकेट उसको दिए जाते हैं और उसको एक आईडी कार्ड प्रोवाइड किया जाता है कि नेक्स्ट टाइम अगर वो ब्लड डोनेट करना चाहे तो उसको एक अपना आईडी नंबर दिया जाता है, उस पर उसकी डोनेशन हो सकती है। तो ये हैं कुछ स्टेप्स डोनेशन से पहले। डोनर स्क्रीनिंग, सेफ डोनेशन सिलेक्शन इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन ऑफ लो रिस्क पॉपुलेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लो रिस्क पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है और वो ब्लड देना चाहता है, हमने उससे हिस्ट्री में पूछा कि आपको कभी हेपेटाइटिस बी सी या एचआईवी का इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। अगर वो कहे कि हुआ है तो हम उसको डिफर कर देते हैं, तो रिस्क मिनिमाइज हुआ। या उससे हम कि पूछते हैं कि आपको कभी टाइफाइड हुआ है कि नहीं, अगर वो कहे कि हमें मुझे एक महीने पहले टाइफाइड हुआ है तो उसको भी हम डिफर कर देते हैं, क्योंकि टाइफाइड डिजीज़ है और अगेन एक इंडिविजुअल कैरियर हो सकता है। तो पेशेंट्स को अगेन एडवर्स रिएक्शंस हो सकते हैं, तो इसीलिए हम पॉपुलेशंस को उसके जो रिस्क है उसको जितना कम कर सकते हैं हम करने की कोशिश करते हैं डोनर स्क्रीनिंग क्राइटेरिया से। डोनर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट, डोनर एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि हम डोनर को जो ब्लड डोनेशंस की इम्पोर्टेंस है या उसके कुछ थोड़े से साइड जो इफ़ेक्ट हैं या हम उसको कहते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट हैं, मेंटली तौर पर जो डोनर है उसको प्रिपेयर करना चाहिए ताकि वो मेंटली तौर पर उसके लिए प्रिपेयर हो सके। तो उसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है और हम डोनर को एजुकेट करते हैं उसकी इम्पोर्टेंस से और उसके एडवर्स इफ़ेक्ट से। मेडिकल एग्जामिनेशन बिफोर एजुकेशन डोनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें हैं वो सारे डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो डोनर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या डोनर सिलेक्शन एंड रिजेक्शन क्राइटेरिया भी हम इसको कहते हैं कि कौन कौन से इंडिविजुअल्स ब्लड दे सकते हैं। तो चाहे मेल हो या चाहे फीमेल हो दोनों ब्लड डोनेट कर सकती है, लेकिन क्राइटेरिया कौन होने चाहिए। नंबर वन एज लिमिट 18 टू 60 ईयर्स, ये एज लिमिट है। बाज वो कहते हैं कि नहीं 18 से 50 ईयर्स जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। 60 ईयर्स के इंडिविजुअल्स भी ब्लड डोनेट कर सकता है, 50 ईयर्स के भी कर सकता है, लेकिन हेल्दी होना चाहिए। तो जो मेजॉरिटी बुक्स है वो कहते हैं कि 18 से 50 ईयर्स के जो इंडिविजुअल्स हैं वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, 18 ईयर्स से कम नहीं और 50 ईयर्स से ज़्यादा नहीं। वेट मोर देन 50 केजी से ज़्यादा होना चाहिए उस इंडिविजुअल का, और हेमोग्लोबिन लेवल 12.5 ग्राम पर डीएल से ज़्यादा होना चाहिए इन केस अगर वो फीमेल है, और अगर मेल है तो 12.5 ग्राम पर डीएल से उसके हेमोग्लोबिन जो लेवल है वो ज़्यादा हो। सो इट मींस के डोनर जो है वो हेल्दी हो तो तब जाके उसकी डोनेशन हम लेते हैं या ब्लड उसके हम लेते हैं। अब डिफरेंट क्राइटेरिया के कौन कौन से इंडिविजुअल्स हैं
जिसको हम डिफर करते हैं, मींस हम उसको रिजेक्ट करते हैं। तो फीमेल, हमने कहा कि मेल और फीमेल दोनों ब्लड दे सकते हैं, लेकिन फीमेल के लिए अगेन कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? कि वो फीमेल्स जो कि प्रेग्नेंट हो वो डोनेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको उनकी जो एज लेवल है वो डाउन हो सकती है। इसी तरह आफ्टर डिलीवरी फॉर 1 ईयर्स अगर लैक्टेटिंग फीमेल हो तो वो भी ब्लड नहीं दे सकती। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पीरियड वो भी ब्लड नहीं दे सकती। तो ये फीमेल के लिए क्राइटेरिया है। मेल डोनर्स कैन नॉट डोनेट ब्लड इफ कंज्यूम अल्कोहल इन द प्रीवियस 24 आवर्स। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं, डिफरल क्राइटेरिया, ये माइनर डिफरल क्राइटेरिया हैं। और भी हैं कुछ क्राइटेरिया जो कि हम डिस्कस करते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन में हम ब्लड टेस्ट करते हैं कि उसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है कि नहीं है, ब्लड प्रेशर उसका कम है या ज़्यादा है। अगर कम है तो भी हम नहीं लेते, अगर ज़्यादा है तो भी हम नहीं लेते। इसी तरह पल्स रेट चेक करते हैं, जनरली फिज़िकल एग्जामिनेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंडिविजुअल जो उसको स्किन डिजीज़ है तो उसका ब्लड भी हम नहीं लेते, क्योंकि उससे डोनर को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए हम उसके नहीं लेते। तो फिज़िकली एग्जामिनेशन में और भी चीज़ें हैं कि इंडिविजुअल बहुत वीक है उसका ब्लड भी हम नहीं लेते, बहुत ज़्यादा फैटी है तो उसका ब्लड भी हम नहीं लेते। तो इट मीन्स कि फिज़िकल एग्जामिनेशंस भी इम्पोर्टेंस उसकी है। ओके, सो ब्लड डोनेशन प्रोसीजर, द डोनर मस्ट बी हैव गुड टेस्ट, रेस्ट एंड स्लीप। नंबर वन, उसकी नींद पूरी हो और वो रेस्ट कंडीशन में हो, क्योंकि बाज़ औक़ात यह होता है कि स्लीप उस जो नींद उनकी पूरी नहीं होती, तो कोमा तो नहीं लेकिन अनकॉन्शियस हो सकता है वो इंडिविजुअल, तो इसलिए ये पूछना बहुत ज़रूरी होता है। फिर इसके बाद खाना उसने खाया हो, क्योंकि अगर वो खाना नहीं खाया तो हो सकता है कि उसका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाए और वो अनकॉन्शियसनेस में चला जाए, तो इसीलिए खाने के बाद यूजुअली ब्लड डोनेशन ली जाती है। और बी मेंटली प्रिपेयर्ड, ब्लड डोनेशन प्रोसीजर वॉल्यूम ऑफ ब्लड कलेक्शन, कि अगर इंडिविजुअल है 45 और 55 केजीज के दरमियान है तो हम उसका ब्लड ग्रुप 350 ml लेते हैं, सिंगल बैग यूज़ करते हैं और इसको सिर्फ और सिर्फ होल ब्लड के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि ब्लड की क्वांटिटी कम है। अगर 45 kg से या 50 kg से उसका ब्लड उसका वज़न ज़्यादा हो तो 450 ml ब्लड हम बैग में लेते हैं और उसके लिए डबल बैग या ट्रिपल बैग यूज़ करते हैं, और उससे हम मुख्तलिफ कंपोनेंट्स बना सकते हैं। और मुख्तलिफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट प्रिपरेशन अलहदा एक टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है कि हाउ वी कैन प्रिपेयर ब्लड कंपोनेंट्स, तो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब पोस्ट डोनेशन एडवाइस, कि हम एक डोनर को क्या एडवाइस करें जब वो ब्लड डोनेट करता है। तो नंबर वन, ड्रिंक्स लॉट्स ऑफ फ्लूइड फॉर द नेक्स्ट 24 आवर, ताकि प्लाज्मा लेवल मेंटेन हो सके, उसका ब्लड प्रेशर कम ना हो और प्लाज्मा लेवल भी उसका मेंटेन हो। अवॉइड स्मोकिंग फॉर 1 आवर एंड अल्कोहल टिल आफ्टर अ मील। डोंट यूज़ एलिवेटर टू गो अप इमिडिएटली आफ्टर डोनेशन, क्योंकि अगेन उसको चेक करा सकते हैं। एवॉइड हाईली एक्सरसाइज एंड गेम्स फॉर अ डे, जिम या बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल फुटबॉल हो गया तो उसमें चूंकि भाग दौड़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए इन इंडिविजुअल्स को हम एडवाइस देते हैं कि आप एक्सरसाइज ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें, जिम ना जाएं,
और कोई ऐसी चीज़ गेम फॉर एग्ज़ाम्पल फुटबॉल हॉकी जिसमें भाग दौड़ ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा ना करें। तो इन इंडिविजुअल्स को हम ये एडवाइस देते हैं क्योंकि थोड़ी सी वीकनेस डेफिनेटली जब ब्लड 450 ml ब्लड आपका ब्लड बैंक में आप डोनेट करते हैं तो डेफिनेटली एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है, तो इसलिए हम उसको सिर्फ ये एडवाइस देते हैं। फिर इफ़ यू फील डिजी ले डाउन एंड पुट योर फीट अप, यू विल बी ऑल राइट इन 10 to 20 minutes। इसी तरीके से ये और भी हैं कुछ इन्फॉर्मेशंस जो कि हम डोनर को प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से टेस्ट फिर उस पे अप्लाई होते हैं जब ब्लड डोनेशंस होती हैं, तो HIV, हेपेटाइटिस बी सी, VDRL जो कि सिफिलिस वेनेरियल डिजीज ऑफ रिसर्च लेबोरेटरी, मलेरिया, ये टेस्ट उस पे की जाती हैं। अच्छा, काउंसलिंग फॉर रिएक्टिव डोनर्स और डोनर जिनको HIV हो या हेपेटाइटिस बी हो या हेपेटाइटिस सी हो, तो फिर उनकी काउंसलिंग की जाती है। याद रखें कि अगर एक डोनर है उसका हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आ गया तो वो हेपेटाइटिस बी हम रिपीट पे लगाते हैं, डबल चेक करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं, तो इसलिए रिपीट पे लगाते हैं। और इसको कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखते हैं, सिर्फ डोनर को इन्फॉर्म करते हैं कि आपको हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है। और फिर उसको जो हेल्थ एक्सपर्ट्स होते हैं उसको रेफर करते हैं और उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए उसको गाइड करते हैं। तो ये कुछ है। एक और चीज़ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम डोनर को कैसे इन्फॉर्म करेंगे कि आपको हेपेटाइटिस सी है, क्योंकि आपने उसको डायरेक्ट इन्फॉर्म किया कि भाई आपको हेपेटाइटिस सी है तो उसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और मेंटल स्ट्रेस वो ले सकता है। तो इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता डोनर को समझाते हैं कि उसके साथ बात करते हैं और बातों में लगा के आहिस्ता 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 उसके मेंटल स्ट्रेस को कम करके फिर उसको इन्फॉर्म करते हैं कि आपके हेपेटाइटिस सी हैं। तो प्रॉपर काउंसलिंग के बाद ही हम डोनर को इन्फॉर्म करते हैं ये। अब डोनेशंस की इम्पोर्टेंस क्या है कि एक इंडिविजुअल ब्लड डोनेट करता है तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो रिसर्च ये नहीं साबित किया है कि कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं ब्लड, जो कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड लेवल इन इंडिविजुअल्स का जो कि रेगुलर ब्लड डोनर होते हैं वो कम होता है। तो लिपिड लेवल अगर कम हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो, तो जो हार्ट डिजीज होते हैं वो इन पेशेंट्स इन डोनर्स में बहुत ही कम हो जाते हैं, तो हार्ट अटैक के चांसेस, स्ट्रोक के चांसेस वो कम हो जाते हैं। डोनर इज आल्सो एलिजिबल टू रिसीव 1 free unit ऑफ ब्लड इफ़ नीडेड फॉर सेल्फ या चिल्ड्रन के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए या उनके दोस्तों के लिए। जब भी कोई ब्लड की ज़रूरत होती है और वो वॉलेंटियर ब्लड होता है तो बस जो ब्लड बैंक से उनको जो ID कार्ड प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए एक ये एडवांटेज भी होता है कि अगर कभी भी उसको ब्लड की ज़रूरत पेश आए उसको या उसके बच्चों को, तो वो एक बैग फ्री में ब्लड बैंक से ले सकता है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा ब्लड कंपोनेंट पे होगा कि जो ब्लड हम बैग्स में ले लेते हैं डोनेशन करके, उसके हम पर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स बनाते हैं और वो कंपोनेंट्स किस तरतीब से बनाते हैं और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।